और इसमें मैं ये स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ जो यूजुअली मैं करता था जब मैं 3D CC प्रोजेक्ट पे वर्क करता था किसी कंपनी में। मैं करता था फ्रूटी के लिए, मैं जब सेल्स बंदे को हायर करता था डिफरेंट रीजन्स के लिए, तो उस वक्त में मैं जो स्ट्रेटजी अपना बनाता था, तो वही स्ट्रेटजी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यूजुअली आप जब भी एडवर्टाइजमेंट्स का प्रमोशन करोगे उस वक्त में आपको 4 पॉइंट्स में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उस 4 पॉइंट्स को आपको जहन में रखनी है, और अगर इस 4 पॉइंट्स को आपने जहन में रखते हैं तो आई अश्योर यू दैट आप एड के लिए जो आपका एक पर्पस है वो पर्पस बिल्कुल फुलफिल होगा। मतलब राइट कैंडिडेट्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, वो अप्लाई करेंगे और फाइनली आप उस राइट कैंडिडेट्स को क्लोज करोगे। नहीं तो बहुत जगह पे ऐसी प्रॉब्लम आती है, मैं ऐड देता हूँ मुझे रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिलते हैं। बहुत सारी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नहीं अप्लाई करते हैं और इसके वजह से मैनेजमेंट उन्हें सुनना पड़ता है। मैनेजमेंट उस एम्प्लॉयज को बुलाते हैं अपने केबिन में और फिर बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, इतने दिनों से ऐड दिया, इतना कॉस्ट लगवाया, हर जगह प्रमोशन, लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं आते हैं। बहुत ऐसे भी मैंने कैंडिडेट देखे हैं जो जॉब पोर्टल्स पे भी ऐड डालते हैं लेकिन उनके रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं। तो इसके पीछे वो कुछ उनकी प्लानिंग में कमी होती है, वो प्लानिंग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करेंगे और उसके बाद आप ये सारे इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छा लगे तो इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे को भी आप फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं और आप शेयर भी करेंगे और इसको फॉरवर्ड भी करेंगे। तो सबसे पहला, जब भी आप एड में, जब एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो या आप वर्क करते हो एड पे, तो उसमें सबसे फर्स्ट थिंग आपको जहन में रखनी है वो है इंटरेस्ट क्रिएशन। इंटरेस्ट क्रिएशन यानी कि सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी फर्स्ट होगा, जो जो एडवर्टाइजमेंट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो एड जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ड्राफ्ट कर रहा हूँ, वो एड बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लियर एनफ होना चाहिए, जो किसी भी जॉब सीकर्स का इंटरेस्ट क्रिएट करे, अटेंशन ड्रॉ करे, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है उसका अटेंशन ड्रॉ हो। यानी कि आपकी कोशिश रहेगी जो एडवर्टाइजमेंट से प्रॉपरली कम्युनिकेट हो एप्लीकेंट के साथ, जो वो क्या पोजीशंस के लिए अप्लाई करने वाला है और वो प्रॉपर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट्स दैट शुड प्रॉपरली कम्युनिकेट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स टू दैट पोजीशन। ये तो इंटरेस्ट क्रिएशन के वाले मैंने आपको बोला। सेकेंड पॉइंट जो आपको जहन में रखनी है वो है डिजायर। मीन्स एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो शुड इमीडिएटली क्रिएट्स अ डिजायर इन द माइंड ऑफ रीडर टू अप्लाई। यू नो डिजायर का मतलब अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक जॉब पोस्ट किया एचआर जर्नलिस्ट पोजिशन के लिए, कोई एचआर रिक्रूटर अगर उस जॉब को देख रहे हैं या कोई एमबीए एचआर फ्रेशर्स उस जॉब को एक बार गो थ्रू होते हैं, तो उनके मन में ऑटोमेटिकली डिजायर होती है नहीं इस जॉब को अप्लाई करनी है। मीन्स तो डिजायर ऑलवेज रिलेट्स जॉब अपील, ये एक हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिजायर ऑलवेज रिलेट्स करता है जॉब अपील एंड रिवार्ड्स के साथ रीडर्स, सो दैट दे ऑलवेज एस्पायर होता है, जो कि जो नहीं मुझे ये जॉब करनी है। तो डिजायर यानी कि आप ये भी चेक करेंगे। थर्ड स्ट्रेटजी इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट्स जो है शॉर्ट सेंटेंसेज होना चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए, जिससे कि कोई भी रीडर अगर आपका जेडी को पढ़ रहा है, आपका एड को गो थ्रू हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली वो इवेल्युएट कर ले जो मैं इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, या फिर मैं अपने करंट पोजीशंस के साथ भी उसको रिलेट कर पाए जो करंट जॉब में जो है, और वो अप्लाई करने से पहले ही वो इवेल्युएशन ले लेता है जो वेदर दैट कैन इट अप्लाई और नॉट। और लास्ट आपके होगा एक्शन। एक्शन मीन्स दैट एंड द एंड में बताना चाह रहा हूँ, जो कि जो गुड जॉब एडवर्टाइजमेंट्स है वो ऑलवेज इमीडिएट एक्शन रीडर का आता है। अगर बहुत अच्छे आपने एड पोस्ट किया है और उस सारी चीजों पर, अगर तीन चीजों पर आपने वर्क कर लिया, इंटरेस्ट पे, डिजायर क्रिएशन, रिवेल्यूएशन पे, तो ऑटोमेटिकली इन द एंड जो अच्छी जॉब एडवर्टाइजमेंट्स है वो हमेशा लीड करता है इमीडिएट एक्शन को ऑन द पार्ट ऑफ रीडर। मीन्स इतनी जल्दी वो आपको कॉल, तुरंत चाहेगा आपसे बात करना, या फिर वो चाहेगा रिज्यूमे प्रॉम्प्टली तुरंत उस रिज्यूमे को भेजना आपके पास, एप्लीकेशंस भेजना। तो सो एक्शन में इमीडिएट हुआ है, मतलब आपका ऐसा ऐड होना चाहिए जिसको देख के आप जहन में खुद से आप अपने आप को रिलेट करो, जो कि जॉब सीकर्स के प्लेस पे अपने आप को ले जाओ और रिलेट करो और देखिए, जो कि जो क्या मैं जब इस ऐड को पढ़ूंगा तो इमीडिएटली मैं अप्लाई करूंगा कि नहीं। यानी कि आप इस चीज पे भी आपको वर्क करना है कि इमीडिएट एक्शन जॉब सीकर की तरफ से आए। मींस पिक अप द फोन एंड कॉल यू सेंड हिज ऑर हर रिज्यूमे प्रॉम्प्टली। मींस दैट टाइप ऑफ एक्शन मस्ट बी फ्रॉम द कैंडिडेट एंड। सो फ्रेंड्स दिस इज द आइडिया फॉर यू। मींस इन दिस वे
ये एक आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आइडिया एक एक्रोनिम मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यानी कि देखिए यहाँ पे आप जस्ट एक एक्रोनिम ध्यान रखेंगे, ये आइडिया मीन्स इंटरेस्ट क्रिएशन डिजायर इवेल्युएशन एंड एक्शन, यानी कि ये एक आइडिया मैं आपको शेयर किया और इस आइडिया के बेसिस पे आप एक चेकलिस्ट अपना प्रिपेयर कर सकते हो जो व्हाट ऑल द एडवर्टाइजमेंट शुड इंक्लूड. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स फॉर द प्रिपेयरिंग द चेकलिस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट्स रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग द जेडी एंड मे बी रिगार्डिंग पोस्टिंग द जॉब्स इन अ डिफरेंट सोर्सेज, स्पेशली एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. तो दिस इज ऑल अबाउट. एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए, अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को अच्छा लगा आपको, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है जो आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे को भी शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ. और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐसे जो HR प्रोफेशनल्स, HR रिक्रूटर्स, HR जर्नलिस्ट, इन सारे लोगों के लिए यूजफुल होने जा रहा है, वैसा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा. थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग. सी यू ऑल विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन.